हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉयल स्पोर्ट गुरु जी में। फ्रेंड्स, अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, आप चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो में हम जिस मैच की बात करने वाले हैं वो मैच है रेलवे और राजस्थान का मैच, जो कि कल सुबह 9 बजे जयपुर विद्यालय ग्राउंड जयपुर पर खेला जाएगा। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जहां पर हम आपको काफ़ी कुछ अपडेट कराते रहते हैं टॉस के बाद, चाहे प्ले स्टैट्स को लेकर हो, प्लेइंग 11 को लेकर हो, अगर लिंक काम नहीं करता जिसको हमने आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर रॉयल स्पॉट गुरुजी सर्च करके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं अगर आप ड्रीम में छोटी किसी ऐसी फैंटेसी साइट पर खेलना चाहते हैं जहाँ पर जो कॉम्पिटिशन हो काफ़ी कम हो, लेकिन जो पॉइंट सिस्टम हो सेम ड्रीम की तरह ही हो, तो आप यहाँ से माई फैब लिंक ट्राई कर सकते हैं, जो काफ़ी जो फैंटेसी साइट है और लगातार पॉपुलर हो रहा है। अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही आप हमारा रेफर कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको 50 रुपीज़ साइनअप बोनस मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप इन दोनों ही टीमों का लास्ट मैच समरी देखोगे तो यहाँ से रेलवे अपना जो पिछला मैच है जम्मू कश्मीर के खिलाफ खेलकर आया, जहाँ पर जम्मू कश्मीर ने 4 विकेटों से रेलवे को हरा दिया था, जिसमें डी मोर के 70 थे, एक घोष के 64 थे, करण शर्मा के 41 विकेट और यहाँ से सांगवान के 3 विकेट निकाले थे। वहीं अगर आप राजस्थान का पिछला मैच देखोगे तो राजस्थान ने अपना जो पिछला मैच है त्रिपुरा 47 रन से हार कर आए हैं, जहाँ पर राजस्थान की तरफ से एम लोमरोर के 71 थे, मिनेरिया के 38 थे, राहुल चहर के 2 विकेट थे और रवि बिश्नोई ने 2 विकेट निकाले थे। ये कुछ प्लेयर्स हैं दोनों ही टीमों की तरफ से जिन्होंने अपने पिछले मैच में अच्छा किया हुआ है। यहाँ से आते हैं हम अपने चैनल के इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जो कि 5-स्टार प्लेयर को लेकर कौन ऐसे 5-5 प्लेयर दोनों ही टीमों की तरफ से जिन्होंने अभी तक अच्छा किया हुआ है और आज की इस मैच में भी आपको अच्छा करके दे सकते हैं। उसमें अगर आप राजस्थान की तरफ से देखोगे तो यहाँ से लोमरोर हैं, राहुल चहर है, गुप्ता है, बिस्त हैं और बिश्नोई हैं जिन्होंने अभी तक अच्छा किया हुआ है। वहीं अगर आप रेलवे की तरफ से देखोगे तो यहाँ से एक घोष हैं, विक्रांत राजपूत हैं, डी मोर हैं, करण शर्मा हैं और सांगवान हैं। कोशिश कीजिएगा कि 10 में से करीब 9 प्लेयर आज के इस मैच में आपकी स्मॉल लीग की टीम में जरूर हो। वहीं अगर आप इन दोनों ही टीमों के पॉसिबल 11 देखोगे तो आपको राजस्थान की तरफ से गौतम और बिस्त ओपन कर दिखाई देने वाले हैं, बाकी लोमरोर हैं, एक गुप्ता हैं, बिश्नोई हैं, मिनरिया हैं, दीपक चहर हैं, राहुल चहर हैं, लंबा हैं, रवि बिश्नोई हैं और अंकित चौधरी हैं। मेरे हिसाब से यही पॉसिबल 11 रहने वाला राजस्थान की तरफ से, बाकी अगर कोई भी चेंजेस होता है तो हम आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक हमने आपको नीचे प्रोवाइड करा रखा है, आप चाहें तो वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। वहीं अगर आप यहां से रेलवे के पॉसिबल 11 देखोगे तो आपको यहां से देवधर और प्रथम सिंह ओपन कर दिखाई देने वाले हैं, बाकी सेरावत हैं, घोष हैं, मोर हैं, करण शर्मा हैं, टी प्रदीप हैं, त्यागी हैं, कार्तिक रमन है, सांगवान है और विक्रांत राजपूत हैं। कभी कभी फ्रेंड विक्रांत राजपूत को हार्ड हिटिंग करने के लिए ऊपर प्रमोट किया जाता है, साथ ही काफ़ी टच में आए हैं। अगर आप आज की इस मैच में स्मॉल लीग में किसी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं तो आप इन्हीं 4 में से किसी दो के साथ जाइएगा, क्योंकि इन्हीं 4 में से कोई दो आपके अपोनेंट के पास भी एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन आपको दिखाई देने वाले हैं, जिसमें रेलवे की तरफ से एक घोष हैं, करण शर्मा हैं। वहीं अगर आप राजस्थान की तरफ से देखोगे तो लोमरोर हैं और गुप्ता हैं। कोशिश कीजिएगा कि इन्हीं 4 में से कोई दो आपका आज की इस मैच में कैप्टन या वाइस कैप्टन हो। वहीं अगर आप ग्रैंड लीग खेलते 6 टीम के साथ तो आप इन प्लेयर को अपने ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, जिसमें रेलवे की तरफ से बिश्नोई हैं, राहुल चहर हैं, दीपक चहर हैं, वहीं राजस्थान की तरफ से विक्रांत राजपूत हैं, डी मोर हैं, टी प्रदीप हैं। आप चाहें तो इन प्लेयर को अपने ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, हो सके तो किसी न किसी प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना दीजिएगा। चलो फ्रेंड देख लेते हैं क्या हो सकता है माई ड्रीम इलेवन टीम, उसके बाद देखेंगे माई फेवरेट इलेवन टीम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन देखोगे तो मैंने सी बीस को पिक किया हुआ, जो कि आज की इस मैच में आपको राजस्थान की तरफ से ओपन कर दिखाई देने वाले हैं। बाकी आप यहाँ से डी मोर के साथ जैसे, जो कि आज की इस मैच में आपको रेलवे की तरफ से 5 नंबर पर खेलते दिखाई देने वाले हैं। बाकी फिर महेंद्र सिंह को पिछले बार जो खिलाया नहीं गया था और मोस्ट प्रॉब्ली आज की इस मैच में भी आपको बेंच पर बैठते हुए दिखाई देने वाले हैं। बैटिंग सेक्शन से मैंने 5 बैट्समैन पिक किया हुआ है। मैंने यहाँ से पिक किया हुआ एक घोष, जो कि आज की इस मैच में आपको रेलवे की तरफ से 4 नंबर पर खेलते दिखाई देने वाले हैं। मैंने यहाँ से पिक किया मनेरिया को, जो कि आज की इस मैच में आपको राजस्थान की तरफ से 5 नंबर पर खेलते दिखाई देने वाले, लगातार अच्छे फॉर्म में हैं और अच्छा खासा रन बना रहे हैं। मैंने यहाँ से देवधर को पिक किया, जो कि आज की इस मैच में आपको रेलवे की तरफ से ओपन कर दिखाई देने वाले हैं।
मैंने यहाँ से एक गुप्ता को पिक किया हुआ जो कि आपको आज की मैच में राजस्थान की तरफ से 4 नंबर पर खेलते दिखाई देने वाले हैं। मैंने यहाँ से विक्रांत राजपूत को पिक किया हुआ जो कि बैट के साथ तो अभी तक उतना खासा परफॉर्मेंस किए नहीं है, लेकिन बॉल के साथ लगातार आपको विकेटें निकाल कर दे सकते हैं और आज की मैच भी आपको अच्छा खासा विकेटें निकाल कर ये दे सकते हैं। मैंने इनको पिक किया हुआ है जिनका बैटिंग पोजिशन कभी भी फिक्स नहीं रहता, कभी भी इनको ऊपर या नीचे डिमोट कर दिया जाता है। अगर आप यहाँ से ऑप्शन देखोगे तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन है पी सिंह का जो कि आज की इस मैच में रेलवे की तरफ से आपको ओपन करते हुए दिखाई देने वाले, आप चाहें तो ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से इस रावत के साथ जा सकते हो जो कि आज की इस मैच में आपको रेलवे की तरफ से सीओर वन डाउन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। बाकी फ्रेंड्स आपके पास यहाँ से एक और ऑप्शन है बिश्नोई का जो कि आपको 6 नंबर पर राजस्थान की तरफ खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, आप चाहें तो इनके साथ ग्रैंड लीग में जा सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने 2 ऑलराउंडर को पिक किया हुआ है। मैंने यहाँ से पिक किया करण शर्मा का जो 6 से 7 नंबर पर आपको रेलवे की तरफ खेलते दिखाई देने वाले, साथ ही अपने कोटे का पूरे पूरे 10 ओवर बॉलिंग करा कर दे देंगे काफ़ी अच्छे टच में फ्रेंड्स, आप जो ग्रैंड लीग के साथ एज अ कैप्टन भी जा सकते हैं। मैंने यहाँ से लोमरोर को पिक किया जो कि आज की इस मैच में आपको 1 डाउन खेलते दिखाई देने वाले हैं राजस्थान की तरफ से, साथ ही अपने कोटे का 2 से 3 ओवर आपको बॉलिंग कर कर भी दे देंगे। बाकी यहाँ से आपके पास उतने से पिक नहीं है। बॉलिंग सेक्शन से मैंने 3 बॉलर को पिक किया हुआ है। मैंने पिक किया राहुल चहर को, मैंने पिक किया टी प्रदीप को और मैंने यहाँ से पिक किया हुआ एच सांगवान को। हालांकि इनका परसेंटेज सिलेक्शन काफ़ी कम है, लेकिन काफ़ी अच्छे बॉलर है, लगातार इन्होंने विकटें निकाल कर दिए हैं रेलवे की तरफ से और आज की इस मैच भी आपको अच्छा खासा विकटें निकाल कर दे सकते हैं। आपके पास यहाँ शानदार ऑप्शन दीपक चहर का पिन के साथ जा सकते हैं। बाकी खलील अहमद तो पीछे पीछे बैठा दिए गए था तो आप इनको पिक मत कीजिएगा। यहाँ से फ्रेंड्स आपके पास यहाँ से ऑप्शन शानदार ऑप्शन रवि बिश्नोई का पिन के साथ जा सकते हैं। इन्होंने भी लगातार विकटें निकाल कर आए हैं। अगर आप राजस्थान की तरफ से किसी बॉलर को पिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आर बिश्नोई के साथ जा सकते हैं। बाकी आप यहाँ से ए चौधरी के साथ भी जा सकते हैं जिन्होंने पिछले मैच में 2 विकटें निकाले थे अपनी टीम की तरफ से। अगर आप हमारा फाइनल टीम देखोगे तो हमारा फाइनल टीम जिसमें सी बिस्ता हैं, ए घोष हैं, देवधर हैं, विक्रांत राजपूत हैं, मनेरिया हैं, गुप्ता हैं, करण शर्मा हैं, लोमरोर हैं, राहुल चहर हैं, शांगवान हैं और टी प्रदीप हैं। अगर आपको टीम या वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वहीं हमारे पास जो कैप्टन वाइस कैप्टन आपको टेलीग्राम पर टॉस कर बता देंगे कि हम जो किस कैप्टन वाइस कैप्टन साथ जाने वाले हैं। अगर आप माई फेवरेट खेलते हैं तो आप इसी टीम के साथ माई फेवरेट पर भी जा सकते हैं जहाँ पर हमारी काफ़ी अच्छी विनिंग हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ड्रीम टीम के साथ में।